आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेगलोडॉन शार्क के बारे में, जो आज से करीब 2 करोड़ से लेकर 36 लाख साल पहले तक हमारे महासागरों में राज किया करते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, हम इंसानों के पास 28 से 32 दांत होते हैं, लेकिन मेगलोडॉन शार्क एक ऐसी मछली है जिसके पास से 40,000 दांत तक पाए गए हैं, और वो भी सिर्फ एक ही मछली के थे। फैक्ट नंबर 2, मेगलोडॉन शार्क आज के हाथी की तुलना में 8 गुना ज्यादा वजनी था। शोध से पता चलता है कि एक मेगलोडॉन शार्क का वजन लगभग 65,000 किलोग्राम तक हुआ करता था। फैक्ट नंबर 3, वैज्ञानिकों के अनुसार एक मेगलोडॉन शार्क का जबड़ा आज के जंगली जानवरों से कई हजार गुना शक्तिशाली था। सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। फैक्ट नंबर 4, प्राचीन समय में मेगलोडॉन शार्क ही समुद्र में अकेली विशालकाय मछली नहीं थी। उस समय एक और प्रजाति समुद्र में पाई जाती थी जिसका नाम लिवियाथन मेलवेली है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोगों को दूसरों से अलग दिखने का बहुत शौक होता है। इसके लिए वह किसी भी तरह का दर्द सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, एक शख्स ने ब्लैक एलियन बनने का शौक पूरा करने के लिए अपनी नाक, कान, होंठ और यहाँ तक कि हाथों की उंगलियों को भी कटवा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, इस शख्स का नाम एंथनी लोफ्रेडो है, जो कि फ्रांस का रहने वाला है। 33 साल के एंथनी ने अपने बाएं हाथ की इन दो उंगलियों को कटवाने के लिए मेक्सिको जाकर एक सर्जरी करवाई, जिसमें वह सफल रहा। एंथनी लोफ्रेडो ने अपनी सर्जरी के बाद अपने हाथ का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लेते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जो कि एलियन बने हैं। कहां से आते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान कौन था? नॉर्मली हम सब जानते हैं कि लोग 70, 80 या फिर 90 साल तक जी पाते हैं, पर चीन के आदमी जिनका नाम ली किंगयांग है, जो कि दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जो 256 साल तक जिंदा रहे। इनका जन्म 3 मई 1677 में हुआ था। इन्होंने अपनी जिंदगी पहाड़ों में सबसे ज्यादा गुजारी है। ये दवाइयों के विद्वान थे। अपनी जिंदगी के 100 वर्ष पूरे होने के बाद राजघराने की तरफ से उन्हें एक शाही संदेश भेजा गया, और 200वें जन्मदिन पर भी उन्हें एक शाही संदेश भेजा गया। उनकी मृत्यु 6 मई 1933 में हुआ था। शाही राजघराने संदेश के जरिए ही इनकी उम्र का पता लगाया गया, और उनकी सबसे खास बात तो ये थी कि उन्होंने 24 शादियां की थी, और आज उनके 200 से भी ज्यादा बच्चे हैं। आज हम साउथ कोरिया के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनको आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ जगह जगह पर प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक हैं, और हर साल दुनिया भर के लोग यहाँ पर आकर प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में साउथ कोरिया में सबसे तेज इंटरनेट मिलता है। यहाँ इंटरनेट की स्पीड 26 MBPS है। फैक्ट नंबर 3, साउथ कोरिया के पुरुष महिलाओं से ज्यादा अपने स्किन का ख्याल रखते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में खर्च कर देते हैं। यहाँ के पुरुष ब्यूटी पार्लर में कम से कम $900 मिलियन तक का खर्च कर देते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो कि दुनिया से काफी अलग है। यह देश कानूनों और खूबसूरती के साथ साथ एक विचित्र देश है। तो चलिए आज हम सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं। फैक्ट नंबर 1, सऊदी अरब का कानून काफी सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलत काम करने पर बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। मौत की सजा के मामले में सऊदी अरब पूरी दुनिया में 4th स्थान पर आता है। यहाँ पर गर्दन काट कर सजा भी दी जाती है, इसलिए यहाँ का क्राइम रेट काफी कम है। फैक्ट नंबर 2, सऊदी अरब में एक भी पानी का स्रोत नहीं है, इसलिए यहाँ पर पीने का पानी बहुत ही कीमती चीजों में शामिल है। यह देश समुद्र के पानी को पीने लायक बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर पानी तेल से महंगा है। फैक्ट नंबर 3, सऊदी अरब में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसकी ऊंचाई 3,280 फीट है, जो कि बुर्ज खलीफा से काफी ज्यादा है। इस टावर को जेदा टावर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 2013 में शुरू किया गया था। यह बिल्डिंग 2020 में बनकर तैयार होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया है।